दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की थी और वो थी फेसबुक के मेटावर्स के बारे में कि कैसे मेटावर्स पूरी दुनिया को आने वाले कुछ सालों में चेंज करके रख सकता है। वी कैसी टेक्नोलॉजी थी इसके बारे में खुल के मैंने वहाँ पे बात की थी। अब ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है और जो आने वाले कुछ सालों में इतनी हैवी हो जाएगी कि डेटा प्राइवेसी नाम की जो चीज़ अभी तक हमें मिथ लगती थी वो उसकी शिकायत काफ़ी दूर हो जाएगी। और ये है वेब का तीसरा वर्जन यानी वेब 3.0। अब दोस्तों, 3.0 वर्जन के बारे में बात करने से पहले मैं ये समझता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि वेब का पहला वर्जन क्या था और उसका दूसरा वर्जन क्या था। ऐसी क्या कमियाँ रही होंगी कि हमें पहले वर्जन के बाद दूसरे वर्जन की जरूरत पड़ी और आज तीसरे वर्जन की। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। दरअसल वेब का पहला वर्जन जो 1980 में जिसका आविष्कार हुआ था, उस समय हमारे पास सिर्फ उस वर्जन के अंतर्गत हमें सिर्फ अलाउ था सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट देखने का और उनको बनाने का। लेकिन ये भी उस समय एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी, यानी उस समय उन दौरान 1918 के दौरान जो हमारे पास वेबसाइट हुआ करती थी उसमें सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में स्टैटिक कंटेंट हुआ करता था, यानी कि हम सिर्फ उस कंटेंट को पढ़ पाते थे, ना ही कोई अकाउंट लॉगिन कर पाते थे, ना ही अकाउंट बना पाते थे, ना ही किसी की कमेंट पे कोई पोस्ट कर पाते थे। उस समय सोशल नेटवर्किंग साइट भी नहीं हुआ करती थी और ये सोशल नेटवर्किंग साइट जितनी भी आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं ये सब हैं वेब के दूसरे वर्जन यानी वेब 2.0 वर्जन के अंतर्गत। तो यानी एक मोटा मोटा आइडिया तो शायद आपको मिल गया होगा कि क्यों हमें वेब 1.0 के वर्जन से वेब 2.0 वर्जन पे जाने की ज़रूरत पड़ी। अगर ऐसा ना होता तो आज हम लोग मेरी शायद आप ये वीडियो ना देख पा रहे होते या फिर सिर्फ एक टेक्स्चुअल फॉर्म में, जैसे हम बुक रीड करते हैं तो ऐसे ही आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म का डेटा रीड करने के लिए फिलहाल। लेकिन वेब 2.0 वर्जन में क्या होता है कि हमारे पास जितना भी डेटा होता है किसी वेबसाइट का वो ऑलमोस्ट एक ही सर्वर पे होता है। अब ऐसे में इसका ड्रॉबैक ये है कि उस सर्वर किसी एक सर्वर को हैक करना किसी के लिए भी ऑलमोस्ट पॉसिबल सा काम लगता है क्योंकि उसे सिर्फ एक मशीन हैक करनी है। लेकिन क्या हो कि अगर हमारा डेटा कई सारी मशीन्स पे हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और अब किसी एक बंदे के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा कि सेम टाइम पे इतनी सारी मशीनों को हैक करना। सिर्फ इसी के लिए, इसी चीज़ के लिए, डेटा प्राइवेसी के लिए हमारे पास एक नया वर्जन आ गया है वेब 3.0 का, और जिसके बारे में शायद आप लोग कई टाइम से सुन भी रहे होंगे। अब मेरी बात से शायद आप कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि वेब 3.0 में हमारा डेटा कैसे कई सारी मशीनों पर रह सकता है, और इसका जवाब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आपने बिटकॉइन के ज़रिए या फिर क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने सुना होगा तो आपने ब्लॉकचेन का वर्ड ज़रूर सुना होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दरअसल एक सर्वर पे डेटा ना रखकर कई सारे कंप्यूटर्स पर अपना डेटा रखती है। अब उस केस में उस डेटा को ट्रैक करना या फिर उस डेटा को हैक करना किसी के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब यही कारण है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट पिछले कुछ सालों में इतनी तेज़ी से बढ़ा है। अभी फ़िलहाल हम जो लोग वेबसाइट यूज़ करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, अभी ये सारी चीज़ें हमारे वेब 2.0 वर्जन पे हैं। यानी जितना भी इनका डेटा है वो ज़्यादातर एक मेन सेंट्रलाइज प्लेस पे रहता है, तो इनको हैक करना कभी कभार कई लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, और आपने कई सारी न्यूज़ ऐसी सुनी भी होंगी। लेकिन वेब 3.0 वर्जन में अगर ये कंपनियां इस 3.0 वर्जन को अपनाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अब हमारा डेटा कई सारे अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स पर रहेगा, तो जिनको हैक करना ऑलमोस्ट इन कंपनी के लिए काफ़ी नुकसान होने वाला है, उनके लिए कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है 3.0 वर्जन पे आना। और वो इसलिए क्योंकि एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप कभी ई कमर्शियल साइट पे कुछ सामान सर्च करते हैं, जैसे कि सपोज़ आपने कोई शूज़ सर्च किए, तो उसके बाद जब आप फेसबुक लॉगिन करते हैं या किसी दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि सेम प्रोडक्ट के ऐड आपको वहीं पे दिखाई देते हैं। तो ये एक्चुअली पूरी तरह से जाल फैला हुआ है जो वेब 2.0 वर्जन में ही मुमकिन है। और अगर ऐसा फ्यूचर में कभी 3.0 वर्जन के साथ हुआ तो इसके लिए आपको अपना कंसेंट उनको देना पड़ेगा, यानी कि आप अपने कंटेंट के अब खुद मालिक होंगे। ये आपकी मर्जी होगी कि आप अपना कंटेंट कहाँ शेयर करना चाहते हैं, किसके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये भी आपको पॉसिबिलिटी यानी अंदाज़ा तो ऑलमोस्ट लग गया होगा कि क्यों हमारे पास वेब 3.0 की नीड है। और वेब 3.0 का काम मैं आपको बता दूं कि 2010 से ही चल रहा है, 2010 के बाद से ही वेब 3.0 का काम चलने लग गया था।
और उसके बाद हमारे पास क्रिप्टो करेंसी आई, बिटकॉइन में हमने इतनी तेजी देखी, और ये सब पॉसिबल हुआ ब्लॉकचेन जैसी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी की वजह से, जिस पे लोगों का भरोसा है कि ये हैक नहीं हो सकती, और इसका स्ट्रॉन्ग रीजन भी है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया। दोस्तों वेब 3.0 वर्जन का एक मेन फायदा ये भी रहेगा कि इसकी होस्टिंग सर्वर लेस होस्टिंग होगी, यानी कि कई सारे मशीन पे हमारा डेटा होने का एक फायदा ये है कि अब आपको वेबसाइट बनाने के लिए किसी सर्वर को यानी किसी होस्टिंग को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये फायदा था हमारे पास वेब 3.0 का, और जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके वेब एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल दे। हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक अकाउंट नंबर हो, एक अकाउंट नेम हो, यूज़र नेम हो, और आप उसे गूगल भी लॉगिन करें, फेसबुक भी लॉगिन करें, ट्विटर भी लॉगिन करें, तो ये सब पॉसिबल है सिर्फ इस वेब 3.0 वर्जन यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके राय सुझाव हो वो आप फीडबैक मेरे को ज़रूर भेजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।